हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग रूम, स्वागत है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं मेरे पास एक पिजोन का एक इंडक्शन है जिसमें इसका आईयूटी ख़राब हो चुका है, और हम आपको किसी टेक्नीशियन के भाई के पास से आया हुआ है। इसमें वो आईयूटी बार बार लगा रहा था, ख़राब हो जा रहा था, तो मेरे पास आया लेकर। मैंने इसको पहले ड्राइव होल्ड ओके किया, यहाँ पर मैंने चेक किया इसका गेट पर, इसके गेट पर हमको लमसम 18 वोल्ट करीब प्राप्त हो रहा था। तो 18 वोल्ट प्राप्त होने के कारण IGBT बार बार लगाते ख़राब कर दे रहा था। तो मैंने चेक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, इसी के सहारे यहाँ पर गेट पर इसका ड्राइव ही जाता है। तो मेरे पास एक PCB था, सेम इसका ट्रांजिस्टर निकाल कर मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हूँ। इंस्टॉल करने के बाद अब इसको हम चालू करेंगे, और ड्राइव होल्ड किस तरह चेक किया जाता है मीटर से पता नहीं चलने के कारण, तो आप किस तरह पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में ये आपको ड्राइव होल्ड चेक करके दिखाएंगे। तो मीटर से आप चेक कीजिएगा तो 0-0 वोल्ट, आप 20 के रेंज पर रखिए तो, या 200 के रेंज पर रखिए तो 0-0 वोल्ट दिखाएगा, और वोल्टेज अप डाउन नहीं करेगा, जिसके कारण मैंने ड्राइव होल्ड चेक करने के लिए एक LED ले लिया हूँ। देख सकते हैं, ये आपके शॉप पर आसानी से किसी भी PCB में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम इसको किस तरह से इस LED के सहारे इसका ड्राइव चेक करेंगे। इसका ड्राइव चेक करने के लिए आपको इसके गेट पर, यहाँ देख सकते हैं ये गेट वाला पिन हो गया, इस गेट पर इसका प्लस LED का प्लस पिन जोड़ेंगे, और यहाँ पर माइनस, यहाँ डायोड से आया हुआ है, उसको इसका LED का माइनस जोड़ेंगे, और यह IGBT के सोर्स हो गया, सोर्स हो गया जो माइनस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो आइए LED को ज्वाइन कर लेते हैं और कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं LED का प्लस और माइनस वाला पॉइंट कहाँ कहाँ जोड़ा गया है। इसी तरह आप भी कनेक्शन कर लें, और हम इसको 220 को से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद वहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले पर लाइट है, और यहाँ पर गौर फरमाइएगा आप LED पर, इसको ऑन करते हैं और LED पर गौर फरमाइएगा, जाइए यहाँ पर देखते रहिएगा, आपको LED ब्लिंक किया, फिर इसको बंद करेंगे, फिर दबाया, फिर ब्लिंक किया, इससे पता चलता है कि आपका IGBT का ड्राइव ओके हो गया है, और आप IGBT न्यू लेकर लगा सकते हैं और आपका सेट ओके हो जाएगा। देखिए IGBT लगा देने के बाद मैंने इसको कस लिया हूँ, और कसने के बाद ये देख सकते हैं वही सेट है, और इसको हम 220 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। 220 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाइट आ गया है, और यहाँ से हम ऑन करेंगे। सबसे पहले उसको चेंज करने के लिए ये बर्तन हम रखेंगे, और हम चिमटी के सहारे से यहाँ पर इसका स्विच है, इसको ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह हीट हो गया, देखिए इसको ऑन करें, अब देखिए किस तरह हीट हो रहा है, देखिए पूरा उसको उबाल दिया, खोला दिया। तो IGBT मैंने लगा दिया, सेट ओके हो गया। इसी तरह के वीडियो हम काफ़ी लाते रहते हैं, और इंडक्शन किस तरह काम करता है देख सकते हैं, खुला में हम आपको दिखा दिए हैं इंडक्शन किस तरह काम करता है, और पूरा ये मेल्ट हो गया, ये देख सकते हैं किस तरह हो गया, ये पूरा
तो इंडक्शन में आप नहीं देखे होइएगा कि किस तरह काम करता है। सिर्फ मैंने एक प्लेट रख कर इसको चेक करके दिखा दिया कि इंडक्शन कुछ गर्म नहीं होता है, मैग्नेट के सहारे ये काम करता है। मैग्नेटिक करंट जो होता है ना, मैग्नेट हीट बनाता है, उस तरह काम करता है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लीजिए।